बस में बैठा एक आदमी अपना बैग खोलता है, वो अंदर से एक गैस मास्क निकालता है और उसे अपने ऊपर पहन लेता है। बस में बैठे पैसेंजर्स उसे एक मन बुद्धि इंसान समझकर घूर रहे होते हैं कि अचानक आदमी बैग से एक सिलेंडर बाहर निकालता है, वो उसे बस के फर्श पर लुढ़का देता है। सिलेंडर के अंदर से बहुत सारा सफेद धुआं निकलता है, चारों ओर अफरा तफरी फैल जाती है। ठीक उसी समय आदमी इस उथल पुथल का लाभ उठाकर खड़ा होता है और एक दूसरे यात्री का बैग उठाकर बड़े आराम से बस से बाहर आ जाता है और एक अंदाज में अपना मास्क उतारता है और पहले से इंतजार में बैठे अपने साथी की कार में सवार हो जाता है और फिर वो दोनों घटनास्थल से फरार हो जाते हैं। कुछ देर बाद गश्त लगाता एक पुलिस वाला सुरंग में बीचों बीच खड़ी उस बस को देखता है। पुलिस वाला कहता है, ओ भाई बावरा हो गया है के, बस को किनारे लगाता है या लगाओ कान के नीचे। लेकिन जब पुलिस वाला बस के एकदम नजदीक पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है बस के अंदर मौजूद सारे पैसेंजर किसी चीज में जमे हुए दिखाई दे रहे हैं, मानो जैसे किसी अदृश्य चीज में डूब कर वो सब जम गए हो। आखिर कौन था वो आदमी और ऐसा करने के पीछे उसका क्या मकसद था? जानने के लिए अगला पार्ट देखना न भूले।